हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में निमेजेसिक आईआर टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। निमेजेसिक आईआर टैबलेट का मुख्य दो उपयोग सिर दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट का सही डोज क्या है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 69 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। निमेजेसिक आईआर टैबलेट में निमोसुलाइड बीपी 100 mg यह कंटेंट समोष्ट है। इसमें मौजूद निमोसुलाइड यह ड्रग ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो दर्द का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। निमेजेसिक आईआर टैबलेट का उपयोग सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दांत का दर्द, कान में दर्द, गांठियों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सूजन में, माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन मतलब आधा सिर दर्द होना, इन सभी समस्याओं में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपकी आयु और वजन पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार एक निश्चित समय पर ले सकते हैं। आप इसे सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, पेट दर्द, अपचन, चक्कर आना, दस्त, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। बालासार से कम उम्र के बच्चों को ये टैबलेट न दे। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की समस्या है तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।